सुनने को मिलेगा बिग बी की आवाज में गाना। तो इस बार होंगे सलमान खान के डांस मूव्स बेहतर, कौन होगा इस सीक्वल का कोरियोग्राफर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जीने के हैं चार दिन से लेकर फेविकॉल तक हमारे चुलबुल पांडे ने आज तक अपने अनगिनत ट्रेंड सेट किए हैं, तो इसलिए अब इस बार उनका मूव फैंस में काफी शानदार हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भाईजान की आने वाली मूवी टाइगर 3 के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली भाई के मूव्स तो मिलेंगे ही। लेकिन अब जैसा आप सभी कहीं ना कहीं जानते ही होंगे कि हमारे प्यारे सल्लू भाई को डांस करना थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी हर बार वो अपने डांस से फैंस का दिल जीत लेते हैं। लेकिन इस बार दर्शकों में ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद इस बार नए सितारों के साथ कंपटीशन को देखते हुए सल्लू भाई में भी इम्प्रूव करेंगे अपनी डांसिंग स्किल्स को, जो इस बार हमें मूवी में देखने को मिलेगी। टाइगर 3 में उनके कोरियोग्राफर के तौर पर अहमद खान ने काम किया था और काफी अच्छा काम किया था, तो अनुमानित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इस बार भी टाइगर उन्हीं के इशारों पर नाचते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा नया मूव निकालते हैं अहमद, जो बनेगा 2022 का ट्रेंड। हो सकता है कि अहमद इस बार किसी हॉलीवुड स्टाइल से ही इंस्पायर हो, या मे बी दिखे हमें किसी पुराने मास्टरपीस की झलक। अब जो भी हो दोस्तों, हमें तो सिर्फ सॉन्ग से एंजॉय करने से मतलब है और वो तो हम बेशक कर ही लेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है हमारे बिग बी का मूवी में होंगे सॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। असल में अपडेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कि मूवी का जॉनरे देखकर बिग बी की हैवी आवाज का सहारा लिया जाए। ऑल्सो अमिताभ जी की आवाज भी मूवी के रफ टफ सिनारियों पर काफी सूट करेगी, तो ये कहना भी ठीक ही होगा कि अगर ऐसा हुआ तो शायद ऑडियंस को मजा ही आना चाहिए। खैर, अब जो भी हो आने वाले साल में पता चल ही जाना है, तब तक के लिए हम बस इंतजार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं प्रार्थना।